युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 50वीं एवं राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह में जल है तो कल है विषय पर संगोष्ठी का आयोजन गोरखनाथ मंदिर स्थित स्मृति सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल नए भारत का आधारशिला बनेगा। जब कोई विषय जन की इच्छा बन जाती है तो वह विषय निश्चित रूप से सफल होगा। हम सुबह स्नान करते हैं तो सभी नदियों का स्मरण करते हैं। दुनिया की सभी सभ्यताएं नदी के तट पर विकसित हुई हैं, परंतु यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज वही नदी हमारी संकट में है। हमारी संस्कृति में जल को जगदीश माना गया है। ऋग्वेद में जल एवं पर्यावरण संरक्षण विषय पर पर्याप्त उदाहरण है। सभी भारतीय ग्रंथों में जल को ईश्वर माना जाता है। दुनिया में जितना जल है उसका 97.3% जल समुद्र का खारा जल है, जो हमारे उपयोग में नहीं आता है, परंतु वर्तमान टेक्नोलॉजी से उस जल को भी उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे अधिक जल पृथ्वी के भूभाग में है। हमारा जीवन 65% भूगर्भ जल पर निर्भर है। जितना जल हम जमीन से लेते हैं उसकी अपेक्षा बहुत कम जल हम भूगर्भ में भेज पाते हैं। भारत में जल का इतना बड़ा संसाधन होते हुए भी आने वाले समय में 60 करोड़ आबादी को पीने के पानी का संकट होगा। विशिष्ट वक्ता उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार अलग अलग माध्यमों से जल संचयन करेगी और उसे कानून में तब्दील किया जाएगा। यूपी सरकार अब ऐसे नियम बनाएगी कि चाहे कोई कॉलेज, कोई शैक्षणिक संस्थान या व्यापारिक संस्थान, सभी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनी अपनी संस्थाओं में लगाना जरूरी होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मान्यता देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है या नहीं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से सभी सरकारी ऑफिसों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जाएगा। अब जो भी निर्माण कराए जाएंगे उसका नक्शा तभी पास किया जाएगा जब वहाँ पर वाटर रिचार्ज सिस्टम बना होगा। उन्होंने कहा कि अब यह प्रावधान होगा कि कोई भी इंडस्ट्रीज यदि पाइप से गंदा पानी या प्रदूषित पानी नदी के अंदर डाल रहा है तो उसे 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना और 5 से 7 साल की कड़ी सजा की व्यवस्था की जाए। मुख्य अतिथि स्वामी विद्या चौतन ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति ही जल से हुई है और उसी जल से ही पृथ्वी का जीवन की कल्पना साकार हुई है। वेदों में जल से मानव का माता पुत्र का संबंध है। जिस प्रकार से हम अपनी माता की हानि नहीं करते उसी प्रकार से जल का प्रदूषण भी हमें नहीं करना चाहिए। 5 तत्व से निर्मित शरीर में जल का सबसे पहले महत्व है। कार्यक्रम में महंत सुरेश दास, कथावाचक स्वामी राघवाचार्य, स्वामी गोपाल दास, महंत राम मिलनदास, महंत शांतिनाथ, योगी कमलनाथ, ब्रह्मचारी दासलाल, महंत शत्रुधन दास, पंचानंद पुरी जी सहित अन्य गणमान्य लोग और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। के माध्यम से जब धीरे धीरे आकर के हमारे मैदानों में जमा है, क्योंकि आश्रमों पारायणशील नहीं है, हमें नहीं मिलता था। विगत वर्षों में जल के अत्यधिक दोहन के कारण बीच बीच में जमा हो रहे थे, कुछ साल में आक्सीडेंट होती है, उसके जैसा होता है जैसे उसमें हम गर्म पानी डालते हैं, दोबारा विचार होता है भोजन तो उसमें से आर्सेनिक निकल के आने लगता है और फिर हम उस स्रोत में से आर्सेनिक पाते हैं। देश की पॉपुलेशन आज की तारीख में 30 करोड़ है। मेरा उत्तर प्रदेश 823 लाख और 313 तहसीलों में विभाजित है। मेरा उत्तर प्रदेश 75 जिलों में बटा हुआ है और मेरा उत्तर प्रदेश का अलग अलग भागों को आप देखेंगे तो अलग अलग भागों को दृष्टिगत करते हुए कुल उत्तर प्रदेश में 1,06,000 हमारे राजस्व ग्राम है और पूरे उत्तर प्रदेश के कुल 17,000 पंचायतों में हमारा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 917 हमारे नगरीय क्षेत्र हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को जल की दृष्टि से हम कैसे समृद्धशाली बना सकते हैं, इस दृष्टि से हम लोगों ने एक कार्ययोजना बनाई है। बस मात्र केवल कार्ययोजना के बारे में कहूँगा, आदरणीय प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जल का बहुत बड़ा संकट है हमारा, निश्चित रूप से जल जीवन के लिए बहुत जरूरी है और जो 5 तत्वों की रचना भगवान ने 5 तत्वों के माध्यम से सृष्टि की रचना की, हम सब की रचना की, उसमें जो सबसे पहला तत्व है विज्ञान के छात्र जानते हैं और जो सबसे पहला तत्व धरती पर आया वो जल है और जब धरती समाप्त होगी जो बचेगा वो जल ही बचेगा, यानी पहला तत्व जल था और अंतिम तत्व भी जल होने वाला है। इसीलिए हमारे आपके
70-72% जल की मात्रा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत सौभाग्यशाली है, हमारे पास ग्राउंड वाटर भी है, हमारे पास सरफेस वाटर भी है। उसके बावजूद 151 ब्लॉक ऐसे हो गए हैं जिनको हम गोभी अतिगोभी कहते हैं, जिनको हम क्रिटिकल और सीमी क्रिटिकल कहते हैं, लेकिन उन सबकी व्यवस्था बनाने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जो प्रयास किया है, उस पर चलता हुआ उत्तर प्रदेश पिछले वर्ष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 20,000 तालाब उत्तर प्रदेश में बनाए थे, पूरे उत्तर प्रदेश में चेक डैमों का निर्माण हुआ, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ वृक्षारोपण किया गया, और अभी भारत के प्रधानमंत्री ने सभी पंचायतों के प्रधानों के लिए पत्र लिखा तो हमारे उत्तर प्रदेश के 69,000 पंचायतों में उसका कार्यक्रम किया गया, और उन कार्यक्रमों के माध्यम से गाँव का पानी गाँव में और खेत का पानी खेत में, छत का पानी नीचे जमीन में आए, इसके लिए भी एक योजना रचना बनी गई है। उस योजना रचना की दृष्टि से जो इसी महीने या अगले महीने के 10 तारीख तक हम लोग एक कानून लेकर के आए हैं, वो कानून क्या होगा उसका एक अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन एक प्रारूप तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उनके मार्गदर्शन में हम लोग उसका एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं। आदरणीय भारत सरकार के मंत्री हमारे बीच में हैं, उनको भी जरूर इस बात को निवेदन करना चाहूँगा। हम लोगों ने एक कानून बना रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर के, भूजल को कैसे संरक्षित करेंगे, उसके लिए हमने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई स्कूल होगा, चाहे इंटर कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, एनी टाइप ऑफ कॉलेज, चाहे प्राइवेट कॉलेज होगा, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज होगा, हर कॉलेज में जहाँ कहीं भी आपने पंप लगा करके पानी मारा दे रहे हैं, उनको सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा, और उसको मान्यता से जोड़ेंगे। अगर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाएंगे उनकी मान्यता समाप्त हो सकती है, उसको हम मान्यता के साथ जोड़ने वाले हैं। दूसरा, कितने लोग की फैक्ट्री चला रहे हैं, अगर हमारे जल को दूषित करेंगे तो हमारे यहाँ पर केमिकल फैक्ट्रियाँ चल रही, केमिकल को पाइप के माध्यम से नीचे डाल करके जल को दूषित कर रहे हैं, या बहुत सारे दूषण खाने जो मान्यता प्राप्त दूषण खाने चल रहे हैं उसमें भी वो लोग पानी को दूषित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने 5 साल से 7 साल की सजा और 10 लाख से 20 लाख तक का जुर्माने का भी प्रावधान किया है। एक समय था जब
अस्तित्व का संकट झेल लेते हैं। निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन जो आंकड़े हम प्रस्तुत किए गए उन आंकड़ों की श्रृंखला में ये चाहे प्रोफेसर गोविंद पांडे अपनी बात करते हुए भूल गए कि दुनिया में जो कुल उपलब्ध जल डॉक्टर महेंद्र सिंह की लालिका भी चर्चा की कि हमारे शरीर 75% हिस्सा जो है हमारे शरीर का वो जल रूप में है, हमारे मस्तिष्क का 84% हिस्सा जो है वो जल रूप में है, लेकिन दुनिया भर में जितना जल विद्यमान है उसका 97.3% 97.3% हिस्सा जो है वो समुद्र में खारे पानी के रूप में है, उसका प्रत्यक्ष उपयोग हम नहीं कर सकते। हालांकि आज दुनिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और दुनिया के बहुत सारे देश, और मैं दुनिया की चर्चा करूँ तो हमारे भारत में भी दक्षिण भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या जो है समुद्र के जल पर अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन प्रत्यक्ष जल का उपयोग नहीं हो सकता, ऐसे जल की मात्रा 97.3% दुनिया में जो जितने हिम शिखर है जितने पहाड़ों पर बर्फ जमी है वो दुनिया के कुल उपलब्ध जल का 2.3% है। चिंता जिसके बारे में जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है और माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जिस तरह से देश भर में इस क्षेत्र में इस विषय में जो प्रगति हो रही, दुनिया भर में कुल उपलब्ध भूजल जो है वो केवल उपलब्ध जल का आधा प्रतिशत, जो हमारा कुल जमीन की जो आर्द्रता है जो जमीन में नमी है मॉइस्चर है वो आर्द्रता 0.005% एक का भी पांचवा जो है केवल 0.005% 20वां हिस्सा जो है वो केवल जमीन जो है आर्द्रता के रूप में मौजूद है, जो वाष्प के रूप में पूरे वायुमंडल में उपलब्ध है वो केवल 0.001% और शेष बचा हुआ जल हमारी नदियों में और वो उसकी मात्रा सहज रूप से शायद यहाँ इस सभागार में उपस्थित कोई भी बात व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, और क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में जिस प्रदेश में लोगों से चर्चा कर रहा हूँ युवा मित्र जो बैठे हैं जो अपने चारों तरफ सरयू को आगरा को गंगा को यमुना को जिस प्रदेश में बहते हुए देखते हैं दुनिया भर की नदियाँ जो पानी का स्रोत मानी गई जिनको दुर्भाग्य से पानी का स्रोत मान लिया गया उन नदियों में जो कुल दुनिया का उपलब्ध जल है उसका 0.00009% जो है एक का 10,000वां हिस्सा केवल जो है पानी का उपलब्ध है और कुल उपलब्ध पानी का 1,00,000वां हिस्सा केवल नदी को उपलब्ध है, लेकिन फिर भी उन नदियों की बेहतर पुरानी मात्र में लेकर उनका उपयोग है सारी सभ्यता उन नदियों के किनारों पर खड़ी थी और हमारी महान भारत की संस्कृति जिसमें जल को जगदीश माना गया वैदिक काल में सारा यदि सारे चारों वेदों का अध्ययन किया जाए केवल ऋग्वेद में 10,000 से ज्यादा सूत्र जो है वो केवल जल और पर्यावरण को लेकर के लिखे गए वैदिक युग में औपनिषद युग में महाकाव्य के युग में और हमारे ऐतिहासिक युग में अनेक 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 जगह शायद कोई ग्रंथ ऐसा होगा कि जिसमें प्रमुखता के साथ महानता के साथ में जल को जगदीश मानते थे जीवन प्रदायी मानते हुए उसकी विवेचना न की गई हो आराधना न की गई हमको दिया है उसके तेज प्रकृति को हमको सबको अपने आप में धन्यवाद आभार मानना चाहिए कि प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है केवल और केवल प्रबंधन और समाज में चेतना के विषय इन दो विषयों की आवश्यकता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हम उस युग में खड़े हैं जिस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को प्रमुखता के साथ में लेकर के और पूरी दुनिया के सामने एक नजीर प्रस्तुत की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प किया कि देश के जो 1500 से ज्यादा ब्लॉक्स जो ड्राइड अप हो गए जहां पानी बिल्कुल भूगर्भ में समाप्त हो गया उन ब्लॉक्स का अध्ययन किया जाए, जमीन की संरचना वहां भीतर में कैसी है, किस तरह से वहां जमीन में पानी पहुंचाया जा सकता है, इस बात के ऊपर अध्ययन करके विचार किया जाए और हमने आदेश किया है और इसका इस योजना को लागू किया है कि देश के
ऐसे 256 जिले जिनमें ये 1500 ब्लॉक्स हैं, प्राथमिकता से पहले उनका, आने वाले मार्च तक उनका, और बाद में पूरे देश के जमीन के भूगर्भ के जायका जो है अध्ययन करेंगे। जमीन के ऊपर से इस तरह की टेक्नोलॉजी को काम में ले रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के पंखों के नीचे बांध करके ऐसे थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा करके जिस रास्ते से वो हवाई जहाज गुजरेगा जिस जमीन के ऊपर से, उसके भीतर के 300 मीटर गहराई तक के एक एक शिलाखंड का, क्रैक्स का, उसके अंदर किस तरह का एक्विपर है, उसकी सारी इमेजिंग जो है वो देश की सरकार के पास में होगी। और आने वाले 2 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे देश के अंडरग्राउंड मैपिंग 3D इमेजिंग के माध्यम से करने में कामयाब होंगे, ताकि हम आने वाले 5 सालों में देश के भूगर्भ के जल को वापस जो है वो रिचार्ज करने की दिशा में तेजी से काम कर सकें। वो सब जानते हो जीवन में जल का कितना महत्व है। अगर हमारे पंचभौतिक शरीर के अंदर जल ही प्रथम है, और अगर ये जल शुरू में शरीर में न डाला जाता तो चारों पदार्थ अधूरे रह जाते। जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम समीरा, इसलिए जल का जीवन में जितना बचाया जाए और कम से कम उपयोग में लाया जाए, इससे हमारा जीवन चल सके उसको व्यर्थ नहीं किया जाए। आप ऐसी पीठ में बैठे हुए हैं, इस पीठ का उत्तरदायित्व, और आप इस पीठ के साथ साथ में योगी जी महाराज के हाथ में है। आज उत्तर प्रदेश कितना उत्तर प्रदेश के रूप में, जैसा मंत्री जी ने कहा, हमारे पूज्य योगी जी के सानिध्य में, उनके संचालक में, और उत्तर प्रदेश दिनों दिन उन्नति करता जा रहा है।